हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और कई दिन से ब्लॉग नहीं गया, ब्लॉग शूट ही नहीं किया। कई दिन से ना माइंड बहुत डिस्टर्ब चल रहा है। मतलब मैंने आपको बताया भी था, मन मेरा अच्छा नहीं चल रहा। और कल रात से मेरे को फीवर है, गले में दर्द है। मैंने अपने आप को लाइफ में इतना शांत अपने आप को खुद ही कभी नहीं देखा। मैं अंदर अंदर पता नहीं कुछ कुछ चलता रहता है ना। तो चलो ठीक है, ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। बाहर हो रही है अभी क्लीनिंग डस्टिंग, मैंने घर की सब कर दी, पूरा घर सेट है। बस मॉपिंग हो रही है, झाड़ू पोछा होना, और बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। और गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आजकल वायरल चल रहा है। और ये वाली प्रॉब्लम में सक्षम को भी थोड़ी थोड़ी हुई थी 2-3 दिन पहले। मतलब ठंड ठंड सी लग रही है और गले में पेन हो रहा है। लेकिन जो घर के ज़रूरी काम है, जो कि रेगुलर काम हम लोगों को करनी है, इसलिए मैंने ये मोटा सा पहन रखा है, ऊपर तक गला बंद है इसमें, वो तो करना ही है ना। और मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी, सब्जियाँ मैंने वॉश करके रखी हैं। इधर साबुदाना भी होकर रखा था मैंने परसों, कल बन नहीं पाया। कल पता नहीं कुछ और बन गया था शायद। मूँगफली रोस्ट ड्राई कर रही हूँ, तो अभी मैं रोस्ट ड्राई करके मूँगफली को इनको पीस के तब डालती हूँ साबुदाने की खिचड़ी में, वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। ड्राई दूध बॉयल, दर्द हो रहा है तो ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोला जा रहा। आई होप आपको मेरी आवाज़ समझ आ रही होगी। और आज है सैटरडे, और आज सक्षम को जाना है बर्थडे में, तो यहाँ पे रखा है बर्थडे गिफ्ट उसके फ्रेंड का, तो वो बच्चा मेरे ट्यूशन में आता है। लंच बॉक्स देख के लाई थी, बड़ा अच्छा है, जो ऊपर से प्लास्टिक मतलब होता है ना, अंदर से वो स्टील का होता है, बॉक्स बॉक्स से बने होते हैं आजकल। तो भाई लंच बॉक्स भी बड़े सुंदर सुंदर, बड़े महंगे महंगे आने लगे। लाई तो मैं अच्छा सा हूँ देख के, क्योंकि थोड़ा बड़ा सा ही बर्थडे कर रहे हैं ना, बाहर कर रहे हैं। सक्षम इनवाइट है क्योंकि छोटे बच्चे इनवाइट है ना, तो वहाँ जाएगा। तो मूँगफली लगभग रोस्ट हो चुकी हैं, मूँगफली रोस्ट हो चुकी हैं। हल्की सी और करूँगी, ज़्यादा रोस्ट नहीं करनी, हल्की सी रोस्ट और करूँगी। लाइफ में ना कभी कभी बड़े उतार चढ़ाव और बड़ी उलझने से हो जाती है, लेकिन ज़िंदगी जीनी ही है ना। और अपने माइंड को जितना पॉजिटिव रखो उतना ही अच्छा है। मम्मी से बात कई दिन तक नहीं हुई, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो मेरा दिल इतना घबरा गया कि रात को सोते सोते मुझे इतनी बेचैनी होने लगी, बता नहीं सकती। लेकिन फिर जब उनसे बात हुई तो ठीक लगा, है ना। तो शायद हर बच्चे की घबराहट वही होती होगी। मुझे कुछ नहीं करने का मन करा, कोई व्लॉग व्लॉग भी नहीं बनाया। और अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव, थोड़ा सही रखना फिर भी ज़रूरी है। अभी मैं किचन में काम कर रही हूँ, काम सारे कर रही हूँ, अच्छी चीज़ें भी जा रही कर रही हूँ, इधर उधर भी कर रही हूँ, लेकिन माइंड ना वहीं पे रहता है। आपका अपना कोई बीमार हो, परेशान हो, तो आपका मन घबराता है, परेशान रहता है ना। और मुझे फीवर हो रहा है, श्रीजा वही चेक कर रही है, तो वो पूछ रही है मम्मी थर्मामीटर कहाँ है, मैं आपका बुखार चेक कर लूँ। तो बस हम दोनों मम्मी बेटी वही बात करते हैं। मैंने कहा मैं काम ख़त्म करने के बाद में कर लूँगी, तुम अपनी पढ़ाई कर लो, बच्चों की एग्ज़ामिनेशन भी चल रही है एक्चुअली, है ना। और बच्चों को मैं खुद पढ़ाती हूँ सारे सब्जेक्ट, आप लोगों को पता है ही। और बस मैथ्स का ट्यूशन लगा रखा है श्रीजा का, तो मैं थोड़ी सी यहाँ नाराज़ भी हो रही हूँ कि तुम पढ़ाई कर लो, वो सबसे बड़ी मदद है। लेकिन जैसे मुझे अपनी मम्मी की चिंता है, उसको भी मेरी चिंता है, तो बस नाराज़ होना मेरा सही नहीं है, मुझे पता है। जबकि अभी है इवनिंग का टाइम, मैंने सक्षम को बर्थडे में छोड़ा, श्रीजा गई है ट्यूशन, और उसके बाद मैं आई हूँ पार्लर। तो मैं सोचा अपने मूड को थोड़ा सही करती हूँ, मम्मी से 1-2 दिन से बात हो रही है तो अच्छा लग रहा है, बेड रेस्ट पे ही है वो, है ना। फिर मैं आई हूँ बंगाल वाले के यहाँ, पेट में काफ़ी फेमस है, पुरानी प्रॉब्लम, पहले भी यहाँ कटिंग करा के गई थी, आपके साथ शेयर की थी, तो फिर से यहीं पे कराती हूँ। तो भैया कह रहे हैं लेयर कट कराओ, और फिर थोड़ा शॉर्ट कराओ। हेयर कट, और अभी मैं इसका ड्रायर नहीं लगाऊंगी, मैं अपने बाल में ना ड्रायर बहुत कम लगाती हूँ, मुझे लगता है फालतू हीट वीट लगवाने से बाल ख़राब होते हैं ना। अभी ठीक लग रहे हैं, थोड़े बाउंसी से। बॉडी शॉप पे आई थी, मैं सोचा चलो आज प्रोडक्ट ट्राई करते हैं, भैया ने CTM बताया, तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। अभी मैं होकर आई हूँ बॉडी शॉप, और अच्छे प्रोडक्ट है स्किन केयर के, अभी तो मैंने नहीं लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं सोची थोड़ा थोड़ा ट्राई करती हूँ। आने के बाद में मैं लेट गई थी, और सक्षम को फिर से लेने जाना होगा, लेकिन उसकी पार्टी चल रही थी तो मैंने उसको नहीं लिया कि थोड़ी देर इन्जॉय करने दो बच्चों को। मेरी कटिंग है ये लेयर कट, और लेयर कट में उसने आगे से एक कट दिया है, वैसे अच्छी लगी मुझे। तो वैसे मेरी हमेशा यही वाली कटिंग रही हुई है हमेशा से,
कुछ टाइम से जब से मैं बोरिंग सी हो गई हूँ, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई, तब से मैंने वो सीधे कट रखने शुरू करे हैं। अच्छा, मुझे अपने ऊपर ये वाली कटिंग हमेशा अच्छी लगती थी, मतलब अपनी भी चॉइस होती है ना, हमको अपने ऊपर ये वाली कटिंग अच्छी लगती है वो, या स्ट्रेट बाल। तो इसमें क्या है, जैसे मेरे बाल सीधे हैं तो ये थोड़े बाउंसी से हो जाते हैं, जैसे कभी कभी हम कहीं जा रहे हैं और हमको कुछ नहीं करना तो बस इनको ऐसे ओपन कर लो। तो इस तरह से मैंने कटिंग कराई है। छोटे तो हो गए, श्रीजा आई ट्यूशन से तो कह रही मम्मा आपके बाल छोटे हो गए, तो मुझे छोटे बड़े का नहीं रहता, मुझे रहता है कि हमारी लुक अच्छी होनी चाहिए। आप लोग बताना कैसी लग रही है कटिंग, एंगल भी मैंने सही नहीं रखा हुआ है कैमरे का। तो इस तरह से मेरी ये कटिंग है। तो इस तरह से जब आपके बाल थोड़े बाउंस करें तो अच्छे लगते हैं ना। अब मुझे नहीं पता आप लोग क्या कमेंट करोगे, अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे, है ना। जैसे भी, और बताया मैंने क्या किया, घर पे आने के बाद सबसे पहले करा मम्मी को कॉल, वीडियो कॉल। मेरी सिस्टर उनसे मिलने गई हुई है तो बात कर रही थी मैं उनसे, फिर मैंने मम्मी से पूछा मम्मी बाल कैसे लग रहे हैं, मम्मी हंसने लगी। तो मम्मी कह रही अच्छे लग रहे हैं तेरे बाल। माँ का और बच्चे का रिश्ता ना बहुत अलग होता है ना फ्रेंड्स, मतलब मम्मी जान होती है, मेरी भी जान अटकी हुई है, मेरी मम्मी बीमार है। तो बस आप लोग सब लोग यूट्यूब फैमिली प्रे करना कि मेरी मम्मा जल्दी सही हो जाए, मतलब मैं मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। मुझे नहीं लगता मैं इतनी उदास कभी हुई होंगी। जब हस्बैंड बीमार थे ना तो मैं एक, वो दिखते रहते हैं ना वो जिनके हम साथ में रहते हैं तो हमें हिम्मत से मिलती रहती है, लेकिन जब हम दूर होते हैं और कोई बीमार होता है, परेशान होता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। जो रात को सोते सोते नींद खुल जाती है कभी कुछ, तो पहले से रिलैक्स हैं वो थोड़ा सा, लेकिन अभी भी बहुत बीमार हैं। तो मेरा मन उनके अंदर ही पड़ा रहता है, बस उनको याद करता रहता है। लेकिन अपने परिवार को, बच्चों को देखना भी ज़रूरी है ना, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो बस यही, कोई मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाला, तो वीडियो का तो यह है कि आप लोग समझते हो यार, है ना। और आपको हमेशा बताती हूँ, वीडियो डालना मेरा एक शौक़ है, लेकिन जब आप लाइफ में परेशान हो, जैसे मेरा अगर शौक़ है किसी का शॉपिंग करना है, किसी का क्रिकेट खेलना है, किसी का कुछ इंजॉय करना है, कोई घूमना है, लेकिन जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो वो रुक जाता है। और पता है, मैं अपनी लाइफ से निगेटिविटी को थोड़ा सा दूर रखना चाहती हूँ। यूट्यूब पे आपको जज भी करते हैं लोग, मैं पिछले वीडियो में आपसे बता भी रही थी कि कुछ चीज़ें मुझे डर लगता है शेयर करते हुए, तो मैं बहुत सारी चीज़ें बड़े सोच समझ के करती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ करता है इंसान। और मैं बहुत ज़िंदा दिल लोगों में से एक हूँ, मुझे अच्छा लगता है कुछ कुछ ट्राई करते रहना, कुछ कुछ करते रहना, इसीलिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ ज़िंदगी में कुछ नया करना, कुछ आगे बढ़ना। तो बस ये है, मुझे नहीं पता छोटा सा ही वीडियो होगा शायद ये, तो आज मैंने सोचा व्लॉग डालती हूँ। आप लोग इंतज़ार कर रहे हो, मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं, है ना, शिप्रा क्यों नहीं वीडियो डाल रही हूँ। तो ये बातें हैं, ज़िंदगी बहुत उथल पुथल में है इस टाइम पे, थोड़ी चीज़ें सेटल हो जाएंगी तो सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, है ना। देखो माइंड में स्ट्रेस है ना, बच्चों का ट्यूशन रहता है, ट्यूशन पढ़ाती हूँ मैं, ऊपर से घर की चीज़ें, थोड़ा सा मेरा हेल्थ इशू भी चल रहा था। आज भी मुझे फ़ीवर था और अभी भी मुझे थोड़ा फ़ीवर लग रहा है, तो मैं नहीं चाहती माइंड पे मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्डन लूँ। कोई कोई टाइम आपका ऐसा होता है कि आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब चल रहे होते हो, और आप लोगों को पता है कि यूट्यूब पे मैं फैमिली से रिलेटेड चीज़ें कम शेयर करती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी फैमिली कभी निगेटिविटी का शिकार हो, है ना, क्योंकि वो मेरा शौक है यूट्यूब पे आना, वीडियो बनाना। कोई मैं अपनी फैमिली को गलत साबित करने के लिए नहीं आई यहाँ पे, चाहे वो मेरी ससुराल की फैमिली हो या मेरी मम्मी के घर की हो या कोई भी हो, है ना। तो बस यही, चलो फिर मिलते हैं ब्लॉग में नए, और आपसे फिर से अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। और मैं ये भी नहीं कहती कि रेगुलर ब्लॉग अभी मैं डालूँगी या नहीं, मैं अपने माइंड को थोड़ा सा स्टेबल करूँगी, थोड़ा अपने आप को पहले की तरह लाइफ में लाने की कोशिश करूँगी, थोड़ा शांत होंगी, उसके बाद रेगुलर होंगी मैं। अभी मुझे कुछ करना अच्छा नहीं लगता ज़्यादा, पता नहीं क्यों, ठीक है। जब मेरी मम्मी थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगेंगी तो मैं हैप्पी हो जाऊँगी शायद, और उसके बाद मुझे सब कुछ अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, नए ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना, बाय बाय दोस्तों।